रूपनगर देवबंद के मानकी मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए 12,67,57,000 रूपये का राज्य मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने बताया कि हमारे क्षेत्र की एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है बाबा मनकेश्वर महादेव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के प्रति एक जनपद के अंदर जितने ऐतिहासिक सिद्धपीठ है उन सबको पर्यटन विभाग के माध्यम से सौंदर्यकरण या आने वाले भक्तों को हम अच्छी सुविधा प्रदान कर सके इस रूप में कई प्रकार की योजनाएं पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। उन्होंने बताया मेरे विधानसभा का ये सिद्धपीठ है मनकेश्वर महादेव, यहाँ पर 12,67,57,000 का शिलान्यास मैंने किया। उन्होंने बताया उसके अंदर एक छोटे हॉल और एक सरोवर और शौचालय का निर्माण भी एक बड़ी परियोजना है। हमारे क्षेत्र में एक सिद्धपीठ का स्थान है। जब लाखों कांवड़ी रोड से श्रवण मास में गुजरते हैं तो लाखों कांवड़िए यहां मां गंगा का पवित्र जल लेकर यहां जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हम अपने धर्म से जुड़े संस्थानों को अधिक से अधिक सौंदर्यीकृत कर उनका जीर्णोद्धार करके हिन्दू धर्म को मानने वाले उन सबको अधिक सुविधा दे सके। एक हमारे क्षेत्र की हमारे जनपद की एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है बाबा मानकेश्वर महादेव और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रत्येक जनपद के अंदर उत्तर प्रदेश के जितने इस प्रकार की ऐतिहासिक सिद्धपीठ है उन सब को पर्यटन विभाग के माध्यम से सौंदर्यकरण और उसके अंदर कई अच्छी वहां आने वाले भक्तों को हम सुविधाएं प्रदान कर सके इस रूप में कई प्रकार की योजनाएं पूरे प्रदेश में नए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही हैं। उसी कड़ी में आज मेरी विधानसभा का ये सिद्ध पीठ है मानकेश्वर महादेव, यहाँ पर 12,67,57,000 की परियोजना का शुभारंभ शिलान्यास मैंने आज किया है। उसके अंदर एक हॉल का निर्माण है, एक छोटे हॉल का निर्माण है, एक सरोवर का निर्माण है, शौचालय का निर्माण, एक बड़ी परियोजना है और हमारे क्षेत्र का ये एक सिद्ध पीठ स्थान है। जब लाखों कांवड़िए इस रोड से श्रावण मास में गुजरते हैं तो लाखों कांवड़िए यहाँ गंगा माँ गंगा का पवित्र जल लेकर के यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की के धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि हम अपने धर्म के से जुड़े हुए संस्थानों को अधिक सौंदर्यीकृत करके उनका जीर्णोद्धार करके जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उन सबको हम और अधिक सुविधाएं दे सके, यहाँ आने वाले भक्तों को और अधिक सुविधाएं मिल सके, ऐसा उनका प्रयास। अभी आपने बताया कि गांव मीरतपुर में भी पर्यटन विभाग की तरफ से, जब मैं विधायक था तो पिछले विधायक 5 वर्ष के कार्यकाल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग की एक पर्यटन संवर्धन योजना थी, उसमें लगभग 50 लाख से ज्यादा की राशि का एक निर्माण कार्य मीरकपुर एक ऐतिहासिक गांव है जहां पर किसी प्रकार का कोई व्यसन कोई व्यक्ति उस गांव का निवासी नहीं करता है। ऐतिहासिक गुरुजी की वो भी सिद्ध शक्ति पीठ है, वहां के गुरुजी की बड़ी मान्यता है उस सिद्ध शक्ति पीठ की। वहां पर भी गत वर्ष गत योजना में पिछली जब मैं विधायक था उस पर्यटन संवर्धन योजना के नाते उस सिद्ध पीठ पर भी हमने काम कराया था। इस परियोजना के साथ साथ मेरी विधानसभा में राधा वल्लभ जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, कई सौ वर्षों पुराना है, राधा वल्लभ जी का प्राकट्य है, वहां हुआ था कूप से राधा नवरंगी लाल जी की वो तपस्थली रही है 35-36 वर्षों तक, उसको भी लगभग 6 करोड़ से ज्यादा की धनराशि दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन विभाग के माध्यम से। एक और प्रसिद्ध स्थान है जड़ौदा पांडा में स्वामी नारायण दास जी की तपस्थली है, जूड़ उस स्थान को बोला जाता है, लाखों लोग पूरे वर्ष के अंदर वहां पर भी आते हैं, उसके लिए भी लगभग 9 करोड़ से ज्यादा की धनराशि स्वीकृति प्रदान की है। मेरी कुल पूरी विधानसभा में यदि पर्यटन विभाग की योजनाओं की मैं बात करूं मेरे अपने विभाग को छोड़ करके तो इन तीनों परियोजनाओं के लिए अभी 28 करोड़ से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत की है। मैं अपने समस्त विधानसभा क्षेत्रवासियों की ओर से अपने मुख्यमंत्री का और पर्यटन मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भविष्य में अनेकों ऐसी योजनाएं हैं, धीरे धीरे काम बढ़ता रहेगा, सरकार अभी कहीं जाने वाली नहीं है, अगले 25-30 साल तक हम ही रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है जो संस्कृत महाविद्यालय है उसके लिए छात्रवृत्ति बढ़ाई गई है। संस्कृत हमारे धर्म की और हमारी समस्त भाषाओं की जननी है, धर्म के प्रति सारे अनुष्ठान जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से होते हैं। उस ओर आज तक किसी मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं गया था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल उनके कई चीजों में धनराशि में वृद्धि की है, एक अच्छा कदम है, ऐतिहासिक कदम। तो एक चीज और भी है जो मुख्यमंत्री ने युवाओं को लेकर कहा है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, क्या उद्देश्य है इसको लेकर विपक्ष लगातार हमला? विपक्ष के पास कुछ कहने और सुनने को बचा नहीं है,
और मेरे मुख्यमंत्री जी ने अगर ये कहा है कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तो इसमें क्या दोहरा है? हम अपने धर्म के अंदर आस्था रखने वाले विभिन्न जातियों के लोगों को अपने धर्म का ही सब मानते हैं। यदि वो अपने धर्म के प्रति इतनी आस्था रखते हैं तो हमारे धर्म के अंदर पैदा हुए लोग भी हमारे धर्म में आस्था रखते हैं, और हम बटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं, और हम भारत माँ की रक्षा के लिए सब कुछ करते रहेंगे।